दोस्तों, क्या आपको भी इंग्लिश बोलने में समस्या महसूस होती है? क्या आपको भी इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंस बोलने में पसीने छूट जाते हैं? तो टेंशन काय को लेने का यार, मैं लेके आया हूँ आपके पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो रोज इंग्लिश में बोले जाते हैं। और आपने अगर ये वीडियो देख ली, ये सेंटेंसेस सुन लिए, तो ये सेंटेंसेस आज से हमेशा आप अंग्रेजी में ही बोलेंगे। तो देर किस बात की है, इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिए। आज का पहला सेंटेंस है, मैंने उससे ऐसा करने को कहा। बहुत बार हमें ये बोलने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत वेरी ऑफन बोला जाने वाला ये सेंटेंस है, मैंने उससे ऐसा करने को कहा। इसे इंग्लिश में बोलना होगा, आई आस्क्ड हिम टू डू सो, आई आस्क्ड हिम टू डू सो, मैंने उससे ऐसा करने को कहा। आई आस्क्ड हिम टू डू सो, मैं उससे अचानक से मिला। ये सेंटेंस भी हमें बहुत बार बोलना पड़ता है, मैं उससे अचानक से मिला। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा, आई केम अक्रॉस हिम, आई केम अक्रॉस हिम। किसी लड़के से अचानक से मिले तो कहेंगे आई केम अक्रॉस हिम, और किसी लड़की से अचानक से मिले तो कहा जाएगा आई केम अक्रॉस हर, मैं उसे अचानक से मिला। अब है नेक्स्ट सेंटेंस, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। किसी ने आपको कोई समस्या बताई है और आप वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, तो हमें अक्सर कहना पड़ता है, आपको अक्सर जवाब देना पड़ता है, भैया मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इस बात को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, आई कैन डू नथिंग, आई कैन डू नथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता। या फिर दूसरी तरीके से भी इसे बोला जा सकता है, आई कैन नॉट डू एनी थिंग, I cannot do anything, या फिर I can do nothing, मैं कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने हिम्मत नहीं हारी। ये भी हमें बहुत कहना पड़ता है, जब हम बार बार किसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं और किसी चीज़ को हासिल कर लेते हैं, हार नहीं मानते हैं, तो हम अक्सर दूसरों को एग्जाम्पल देते कहते हैं कि मेरी तरह से करो, मैंने हिम्मत नहीं हारी। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा, आई डिड नॉट लॉस हार्ट, I did not lose heart, मैंने हिम्मत नहीं हारी। I did not lose heart। अब है अगला सेंटेंस, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है। तो इस बात को इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा, आपको ये तो पता ही होगा, ये सेंटेंस हमें बहुत बार बोलना पड़ता है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है। तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा, I do not feel at home here, I do not feel at home here, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है। मतलब मुझे यहाँ घर के जैसा नहीं लगता है, मुझे यहाँ मन नहीं लगता है, ऐसी बात को इंग्लिश में कहा जाता है, I do not feel at home here। तो चलिए देख लेते हैं आज का अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं। ये भी बहुत बोलना पड़ता है ना आपको, इंग्लिश में बोलते हैं, I do not trust you, I do not trust you, मुझे तुम पर विश्वास नहीं, या फिर मुझे तुम पर भरोसा नहीं। नेक्स्ट है, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखकर उठा। तो ये तो बहुत बार कहना पड़ता है कि पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखकर उठा। ये तब कहते हैं जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, जिसकी हमने उम्मीद नहीं की, कुछ वैसा हो गया, उस कंडीशन में हम कहते हैं पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखकर उठा। तो इसको इंग्लिश में कहा जाएगा, आई डोंट नो On which side of bed I got up this morning. I don't know on which side of bed I got up this morning. I don't know on which side of bed I got up this morning. मुझे पता नहीं किसका मुंह देखकर उठा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं नहीं मानता। किसी बात को आपने नहीं माना, किसी ने कुछ कहा, आप कहते हैं मैं नहीं मानता। तो इस बात को इंग्लिश में कहा जाएगा, आई डोंट एक्सेप्ट इट, आई डोंट एक्सेप्ट इट, मैं नहीं मानता। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे उम्मीद नहीं है। तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा, आई डोंट होप, मुझे उम्मीद नहीं है, आई डोंट होप। नेक्स्ट है, मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं है। ये सेंटेंस भी आपको बहुत बोलना पड़ता है ना।
मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं हैं। इस बात को इंग्लिश में कहा जाएगा आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पर्सन। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पर्सन, मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं है। तो आज देखिए हमने 10 सेंटेंसेज जो कि इंग्लिश में डेली यूज किए जाते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के ये सेंटेंसेज आपके लिए इंपॉर्टेंट तो बहुत रहे होंगे और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप ये सेंटेंस ये वीडियो को बार बार देखते हैं, दो चार बार देखते हैं, तो ये सेंटेंसेज आपकी टंग पर चढ़ जाते हैं और आपके टंग से ये सेंटेंसेज निकलने लग जाएंगे। तो हुआ ना इंग्लिश बोलना आपके लिए आसान। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिल जाए करें। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।